Siddha Rukhsana, a Muslim student who can't see, attending a lecture in a classroom with her friends. After completing her master's in commerce and bachelor's in education, she is now doing a research on Vishnu Puran in a Hindu university. She believes that both Quran and Gita send the same message of unity, peace and love. मेरा एमफिल का सब्जेक्ट है विष्णु पुराण में विष्णु देवता एक अध्ययन. विष्णु पुराण में जो विष्णु देवता है उसके कार्य, उसके अवतार, उसकी स्तुति, ये सब कैसे होती है उस पर मैं रिसर्च कर रही हूँ. और रही बात रिलीजियन की, तो मैं मुस्लिम हूँ और इस्लाम धर्म से मेरा नाता है, लेकिन पढ़ाई के साथ धर्म को कोई लेना देना नहीं है. और वैसे भी धर्म चाहे जो भी हो, जो बात कुरान में लिखी है कि कर्तव्य हमारा धर्म है, वही बात गीता में भी लिखी है कि कर्तव्य हमारा धर्म है. तो रिलीजियन और पढ़ाई को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने विष्णु पुराण को अपना सब्जेक्ट बनाया. ऑल द टीचर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी आर हेल्पिंग एंड एनकरेजिंग हर टू परस्यू हायर स्टडीज. स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज स्टडी टुगेदर इन दिस इंस्टीट्यूशन विद कोऑपरेशन, यूनिटी एंड हार्मनी. शायद गुजरात में ये प्रथम घटना हुई होगी कि प्रथम ट्राई में नेट यूजीसी की जो नेट की परीक्षा है वो प्रथम प्रयत्न में चारों छात्राओं ने एक साथ उत्तीर्ण की. एमए का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले चारों छात्राओं नेट के लिए क्वालिफाइड हो गई थी. बाद में एक साल के लिए बीएड करने के लिए दोनों छात्राओं बाहर गई, फिर से तीन छात्राओं ने एमफिल के लिए प्रवेश लिया. उसमें से एक जो है सीडा रुखसाना कासम भाई, वो अभी मेरे मार्गदर्शन में विष्णु पुराण पर एमफिल का लघुशोध निबंध तैयार कर रही है. उसने संस्कृत में विष्णु पुराण में निरूपित विष्णु देवता का स्वरूप, विष्णु का जो स्वरूप है वो परम व्यापक स्वरूप गृहित किया गया है, उसके ऊपर अध्ययन कर रही है. दूसरी जो छात्रा है काजल नकुम, वो पूर्णतः प्रज्ञाचक्षु है. वो इस साल 39 स्टूडेंट का पीएचडी के लिए जो प्रवेश हुआ उनमें क्वालिफाइड हुई है. अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. मैंने एमफिल में उपनिषद कथाओं में राष्ट्रीयता उस पर रिसर्च कार्य किया था. जो मेरे गाइड थे वो काथड़ साहब थे और वो मुझे पूरी तरह मार्गदर्शन करते थे कि राष्ट्रीयता क्या है और किस कथा में किस प्रकार की राष्ट्रीयता है और किस उसके साथ कौन कौन से रेफरेंस जुड़ने चाहिए और वर्तमान संदर्भ में उसकी क्या उपयोगिता है. इस सभी प्रकार मुझे ये मार्गदर्शन देते रहे और मैंने अभी 15 अक्टूबर को मैंने ये रिसर्च कार्य पूरा किया और उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन पीएचडी में हुआ है. आज मैं महाभारत आधारित जो भास के रूपक हैं उनमें नवरस का विनियोग किस प्रकार हुआ है उस पर मैं रिसर्च कार्य कर रही हूँ, करने वाली हूँ. Such efforts contribute in maintaining national integrity and peace.